आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजनी, आज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। मांझी हेलो डॉक्टर छपरा के तत्वाधान में रविवार को कोहड़ा बाजार नसीरा स्थित ज्ञान मंदिर स्कूल के परिसर में निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन दाऊदपुर थानाध्यक्ष विश्व मोहन राम ने विधिवत फीता काट कर किया। कैंप में डॉक्टर आर के दुबे, डॉक्टर अलका कुमारी, डॉक्टर शशिकांत परासर, अजय पांडे समेत कई प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ब्लड शुगर, दंत रोग, कोलेस्ट्रॉल सहित अन्य बीमारियों के करीब 150 से अधिक महिला व पुरुष रोगियों की जांच की गई। इस दौरान नैपकिन, एलिटेक्स, मास्क व दवाओं का भी निःशुल्क वितरण किया गया। उद्घाटन के क्रम में थानाध्यक्ष विश्व मोहन ने लोगों से कहा कि स्वस्थ व समृद्ध बनने के लिए शिक्षित व जागरूक होना आवश्यक है। वहीं कोविड 19 से बचाव के लिए निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन अवश्य लेने, भीड़ भाड़ से दूर रहने की अपील की। कैंप के आयोजन में हेलो डॉक्टर के संचालक अभय कुमार पांडे, उदय कुमार गुप्ता, मुन्ना सिंह, दिलीप सिंह आदि ने सहयोग किया। मौके पर मुख्य प्रतिनिधि उदय सागर, मिथिलेश सागर, श्याम बाबू प्रसाद, अरुण कुमार तिवारी, नीरज कुमार, शैलेश रॉय, प्रहलाद प्रसाद आदि मौजूद थे। मांझी से बीरेश सिंह की रिपोर्ट। नसीरा गांव में आए हुए हैं, ये निःशुल्क जो जांच केंद्र एवं ट्रीटमेंट केंद्र जो लगाया गया है पांडे जी की ओर से, यहां जो उपस्थित है चिकित्सक महोदय और जो स्टाफ लोग आए हैं बाहर से और इस समाज के बुद्धिजीवी, शिक्षित प्रतिनिधि एवं समाज के बुजुर्ग, बच्चा, नौजवान, महिलाएं, सभी को मैं आज इस कैंप में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बात कल जाके पांडे जी ने बताए कि मेरे यहां निःशुल्क जांच केंद्र एवं स्वास्थ्य जांच केंद्र दोनों लगाया गया है, लगाया जाएगा, जिसमें गांव के समाज के जो लोग हैं जिनको जिस तरह की तकलीफ है उनका निःशुल्क जांच कराकर निःशुल्क चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और मेडिसिन भी दिया जाएगा। बहुत खुश हुए हम, इस तरह का कैंप बहुत कम लोग लगाते हैं। मुझे आमंत्रित किए, हम दौड़े आ गए, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम अच्छा लगता है। कोई अगर शिक्षा से संबंधित जागरूकता करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता करते हैं, स्वच्छता से संबंधित या सेवा से संबंधित, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम वहाँ पहुँचते हैं, सारा काम छोड़ के वहाँ जरूर पहुँचते हैं। कोहड़ा बाजार को नाम या मुझे याद है, इसलिए याद है एक कुछ विवाद हुआ था रात में, तो हम अमनौर से आए तो हमको अचानक याद आया उस दिन में जब हम यहाँ पहुंचे तो देखो बगल में तालाब है, क्योंकि रात में हम वहाँ बैठे थे 2-4 मिनट के लिए, तो मुझे तालाब देखे और जगह देखे तो मुझे पता चला यही कोहरा बाजार है ना। इतना याद है, संयोग से सेवा करने का मौका मिला है आप लोगों के यहाँ। मेरा कथन है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो शिक्षित होना सबसे पहले जरूरी है। यदि आप शिक्षित होंगे तब आप स्वस्थ होंगे, स्वच्छ भी होंगे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छता, सेवा यानी रोजगार, संपन्नता तभी आप में आएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। पहला दीपक आप एजुकेशन का जलाइए, शिक्षा का एजुकेशन जलाइए, और वह दीपक अगर घर घर में आप जला दिए तो समझिए आपका इलाका रोशनीमय हो जाएगा, मतलब प्रकाशमय हो जाएगा। जहां शिक्षा नहीं है वहां समझिए अंधकार ही अंधकार है। ये बिजली बत्ती जलाने के लिए भी आपको शिक्षा की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा इसलिए जरूरत है, अगर कोई पढ़ा तभी ना बिजली बनाया, अब बिजली बनाया तो फिर मैकेनिक आया वो भी पढ़ा लिखा होगा तब सेट किया, और सेट किया तब आपके घर में आज रोशनी है। इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, पहले शिक्षा की रोशनी जला दीजिए।
उसके बाद आप स्वयं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सारा बीमारी जितना ही दिख रहा है ना, आज मुझे ये हो गया, वो हो गया, दिस है, दैट है, ये सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। रह गई बात, यदि आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो कम से कम मेरे अनुसार, मैं अपने मन में विचार किया और अभी तक के जो एनालिसिस है, मेरा मंथन है, विचारण किए हैं, उससे मुझे ये लगा कि समाज को सब कुछ करते हुए अपने परिवार में या अपने स्वयं को कम से कम तीन चीज को आत्मसात करें, मतलब अपने गले लगाए। पहला है एक विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस, आप लोग समझते होंगे। साइंस को निश्चित रूप से अपने घर में एक ग्रंथ के अनुसार रखिए और खुद पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज जो कुछ भी दिख रहा है वह साइंस का देन है। हम खड़ा हैं या साइंस का देन है, ये देख रहे हैं, सारा चीज, सारा सिस्टम साइंस का देन है, आप देख रहे हैं ना। इसलिए आप तीन चीज में, पहला मैंने बताया आपको विज्ञान निश्चित रूप से पढ़ना है और पढ़ाना है लोगों को, इससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप देख लीजिए, आज हाथ में मोबाइल है तो साइंस का देन है, गले में गमछा है तो साइंस का देन है, शरीर पर कपड़ा है तो साइंस का देन है, पैर में जूता है तो साइंस का देन है, कुर्सी पर बैठे हैं साइंस का देन है, टेंट लगा है साइंस का देन है, A to Z आपको साइंस नजर आएगा। इसलिए आपको विज्ञान पढ़ना यानी साइंस पढ़ना अनिवार्य है। अपने पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए और अनिवार्य रूप से पढ़िए और पढ़ाइए, तभी आप विकास करेंगे। इसी से आपके घर में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और तरह तरह के आपके आविष्कार भी करेंगे आपके बच्चे, इसलिए इसको निश्चित रूप से पढ़ाइए। अब आइए दूसरा बिंदु पर हम आते हैं। दूसरा बिंदु ये है, आपको विधान पढ़ना चाहिए, विधान, विधि विधान, समझ रहे ना। तब विधि मतलब होता है कानून, लॉ, उसी का हम लोग विधान भी बोलते हैं। इसलिए आपका भारत में जो कानून है, विधान है, विधान, उसको निश्चित रूप से अपने घर में किताब रखिए और पढ़िए, ताकि आप गलत जगह जो फंस जाते हैं कभी कभी गलती करके, उससे आपका बचाव होगा। आपका बच्चा गलत नहीं करेगा, ना आप गलती करेंगे। उसमें सारा चीज लिखा हुआ है कि कौन अपराध है, कौन अपराध। लाल निर्माण का भरोसा, लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग, लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।